हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनटीडी इंजेक्शन सातवें मंथ में क्यों लगाया जाता है? इस तरह का मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैडम एनटीडी इंजेक्शन सातवें महीने में क्यों लगाया जाता है, तो इसी सवाल का जवाब जानेंगे वीडियो में। काफी हेल्पफुल वीडियो आप ले सकते हैं, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, जब महिला प्रेग्नेंट होती है और महिला का ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है, तो ये मान के चलते हैं कि बच्चा पेट में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पता नहीं लगा सकते जब तक बच्चा पेट में है कि बच्चा पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। इन केस अगर बच्चा पॉजिटिव है, तो इस केस में होता क्या है कि मदर का शरीर जो है एंटीबॉडीज तैयार करता है बच्चे के ब्लड के अगेंस्ट। तो ये एंटीबॉडीज बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे बच्चे में पानी भरना या फिर एनीमिया, जॉइंटिस की प्रॉब्लम होना, ये सारी दिक्कत हो सकती है पेट में ही। तो अब बात कर लेते हैं कि सेवन मंथ में एनटीडी इंजेक्शन लगाने के लिए क्यों बोलते हैं डॉक्टर। देखिए, सातवें महीने में ये कहा जाता है कि बच्चे और मदर का ब्लड मिसमैच होने की संभावना रहती है, यानी कि एक दूसरे में मिक्स होने की संभावना काफी ज्यादा होती है सातवें महीने में, जिस कारण कि डॉक्टर इससे बचने के लिए, ये रिएक्शन होने से बचने से पहले ही एनटीडी इंजेक्शन आपको लगाने के लिए देते हैं, लगाने की सलाह देते हैं या फिर लगाते हैं। तो जरूर लगा लीजिए अगर आपका निगेटिव ब्लड ग्रुप है और आपके हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। एनटीडी इंजेक्शन से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल की पूरी प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आप वीडियो वॉच कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।